हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में, उसकी विशेषता, गुण, दोष क्या होती हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने एंट्रेंस एग्जाम दे कर एडमिशन पाया है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे कभी कभी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो चार विकल्प दिए जाएंगे। या आपसे पूछा जाता है कि निम्न का मिलान करिए, ठीक है, मिलान करने वाला भी पूछा जाता है। या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर ट्रू और फॉल्स भी आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे इसके लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता तो है लेकिन एग्जाम में लिखना कैसे, आइए थोड़ा सा शब्दों को जानते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट से क्या मतलब है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से तात्पर्य ऐसी परीक्षण से है जिसके प्रश्नों के उत्तर के रूप में कुछ विकल्प दिए जाते हैं और उत्तरदाता को सही विकल्प का चयन उत्तर के रूप में करना होता है। ये हो गई। अथवा दूसरा भी है, कथन में रिक्त स्थान दिए जाता है, इनकी पूर्ति कर वाक्य या कथन पूर्ण करना होता है। अथवा निश्चित शब्दों के रूप में उत्तर लिखना होता है। इन प्रश्नों के उत्तर निश्चित होने के कारण जांचकर्ता को जांचने में सुविधा एवं सरलता रहती है। इसमें चाहे कितने भी अध्यापक प्रश्न की जांच कर ले, सभी का मूल्यांकन सदैव एक जैसा होता है। कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे मान लीजिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट की एक क्वालिटी है कि चाहे कितने भी एग्जामिनर से जांच कर लीजिए वह उतने ही अंक पाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक प्रश्न का तो एक ही सही विकल्प होता है, कुछ अपवाद की स्थिति को अगर हम छोड़ दिया जाए। तो यह हो गई वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में। आप स्वयं से आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से इस प्रकार से बना के लिख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऐसे होता है जिसमें विद्यार्थी को शब्दों का कम उपयोग करना होता है, कुछ निश्चित दिए गए शब्दों में सही विकल्प का चुनाव करना होता है, अथवा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है, अथवा सही गलत कथन बताना होता है। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ परीक्षण विद्यार्थियों से उनकी परीक्षा ली जाती है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे थोड़ी सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषता की बात करें तो क्वालिटी यानी कि गुण क्या है, इसकी अच्छी बात क्या है। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह बनावट में सरल एवं छोटा होता है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में। इसका उत्तर संक्षिप्त तथा केवल एक ही होता है, ठीक है। यदि इनकी जाँच विभिन्न परीक्षणों द्वारा की जाए तो इनकी द्वारा प्रदान किए गए अंक समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन परीक्षणों का अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से, मतलब इनका आप टेस्ट, आप इनका चेक, एग्जाम का चेक आसानी से कर लेंगे। ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव को प्रभावित नहीं करती, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। यह परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव को प्रभावित नहीं करती, इसका क्या मतलब हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हो सकता है किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो, या फिर कोई किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं हो, किसी बच्चे का फिजिकल अच्छा नहीं हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। हो सकता है आप शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं कि नहीं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यही बात है कि यह परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव, आप गाँव से हैं, शहर से हैं, आप गरीब से हैं, अमीर फैमिली से हैं, आपकी हैंडराइटिंग, तो इस चीज़ का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, ठीक है। और पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये परीक्षाएं अधिक व्यापक होती हैं, जिसके पाठ्यक्रम की अधिकांश भाग को परीक्षण संभव है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी अच्छी बातें, विशेषता, गुण। अब आइए इसकी सीमाएं देखते हैं, इसकी सीमा, इसकी दोष, इसकी सीमाएं और दोष क्या हो सकती हैं। यह परीक्षण विद्यार्थी को विचार अभिव्यक्त करने का मौका नहीं मिलता, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके जो ऑप्शन है आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। आपको जो उत्तर पता है आप उस उत्तर को वहाँ पे क्लिक करिए, आप अपने विचार वहाँ पे व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता। इसमें बालक अनुमान के आधार पर उत्तर देकर सफलता प्राप्त कर सकता है, उसकी कमजोरियों का पता नहीं लग पाता। ये देखिए, ये इसीलिए कहते हैं ना, ये आसान शब्दों में, ताकि आपको एक बार देख के चीज़ें समझ में आ जाए। इसमें बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, इसमें बालक अनुमान के आधार पर, होते हैं ना कुछ बच्चे तुक्का मार देते हैं, टिक मार देते हैं, तो ये इसकी सीमा कमी है, ठीक है, कि अनुमान के आधार पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है, इस पर आप यकीन नहीं। लेकिन हाँ, चीज़ें होती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। परीक्षा की रटना जटिल, देखिए जितना एग्ज़ाम देना आसान है ना, वैसे ही एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाना मुश्किल होता है,
किस लेवल का क्वेश्चन बनाना है, कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो परीक्षा की रचना जटिल होती है, ठीक है, और इसमें खर्च अधिक आता है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षण के निर्माण के लिए निर्माता प्रशिक्षित होना चाहिए, जो भी निर्माण कर रहा है ना वो अच्छे खासा ट्रेंड टीचर हो, तभी वो प्रश्न बना पाएगा। इस प्रकार के परीक्षण में यथार्थ की कमी होती है और इनके द्वारा छात्र की भाषा शैली, भाव व्यक्ति, निबंध लेखन शैली आदि का मापन नहीं किया जा सकता। तो ये हो गई इसकी कुछ सीमाएं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम छोटे छोटे वीडियो में ख़त्म करेंगे। देखिए निबंधनात्मक टेस्ट, निबंधनात्मक परीक्षण मतलब ऐसे टाइप टेस्ट की भी वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगली जो वीडियो बनेगी वो निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं क्या हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं। बाकी इसको अपने शब्दों में आप आसान भाषा में लिखिए, चीज़ों को समझिए। अगले वीडियो में देखेंगे निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों अगर आपको पढ़ाई गई बातें समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, मुझे मोटिवेट करिए, और हाँ थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए और लोगों को चैनल से जोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।